To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. My YouTube channel Versatile Ashutosh. आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी के ट्रेंड के बारे में कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड हम किस तरह से पता कर सकते हैं और अगर आप ये जो तरीका है अगर इसका इस्तेमाल करेंगे आप तो डेफिनेटली आप जो है लगभग 90% चांस में आप जो है लगभग एक्यूरेट ट्रेंड बता कर पाएंगे कि यहाँ बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड जाने वाला है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही मतलब काफी सिंपल है। आइए हम देखते हैं। तो आप पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा, आप ये देखिए ये मैंने यहाँ पर क्या ओपन किया है। सबसे पहले चीज को समझ लेते हैं कि किस तरह से हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स का हम ओपन कर रहे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखिए 30 नवंबर मतलब लेटेस्ट है ये डेटा। अब इसमें देखिए बैंक निफ्टी में, चूंकि आप जानते होंगे बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने 12 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं वेटेज पे हमारा मेन फोकस है। तो अगर वेटेज हम देखने जा रहे हैं तो आप यहाँ देखिए कि टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज कितने हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक। आप देखिए HDFC बैंक का वेटेज कितना है बैंक निफ्टी के अंदर 36.8% है और ICICI बैंक का कितना है 18.42% है, कोटक महिंद्रा का कितना है 13.28% है। अगर हम तीनों स्टॉक की बात करें, अगर ये तीनों स्टॉक को मिला लिया जाए तो लगभग 68% वेटेज होता है इनका। मतलब बाकी स्टॉक को अगर हम छोड़ भी दें, 12 स्टॉक में से अगर हम 9 स्टॉक को हटा भी दें तो ये तीन स्टॉक पूरी बैंक निफ्टी को तहस नहस कर सकते हैं। मतलब चाहे तो बढ़ा सकते हैं ऊपर या चाहे तो बिल्कुल गिरा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कैलकुलेशन बताता हूं मैं। मान लेते कि दूसरे स्टॉक, मान लीजिए कि जो 12 स्टॉक में से 11 स्टॉक अभी अनचेंज्ड है, ना बढ़े ना घटे। अब HDFC बैंक का कितना बड़ा इफेक्ट है, HDFC बैंक का प्राइस मान लीजिए अभी चल रहा है 2095 रेंज चल रहा है, बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 26,826, HDFC बैंक का वेटेज हम जानते हैं कि लगभग 36.8% जो कि काफी ज्यादा है। इफ HDFC बैंक राइज 1% देन बैंक निफ्टी राइज 0.368% राइज करेगा बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बैंक निफ्टी गलती से हो गया, मैंने लिख दिया मैंने यहाँ पर। सो इफ HDFC बैंक राइज 20, अगर पॉइंट के टर्म्स में अगर हम देखें, पॉइंट के टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में ना देखते हो, पॉइंट के टर्म्स में देखें अगर हम, तो 20.95 पॉइंट अगर HDFC बैंक हमारा बढ़ता है तो बैंक निफ्टी लगभग 98.7 मतलब 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। HDFC बैंक के 1% बढ़ने पे लगभग 100 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा। ये हमने डेटा कैसे बता रहे हैं कि अगर दूसरे स्टॉक जो हमारे अनचेंज रहते, ना बढ़ते ना घटते, तो उस कंडीशन में HDFC बैंक का कितना बड़ा इफेक्ट है क्योंकि इसका वेटेज इतना ज्यादा है। तो अगर हम इन तीन स्टॉकों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक, अगर आप दूसरी, अगर कभी कभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि HDFC बैंक कभी अगर बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी घट नहीं सकता, अगर HDFC बैंक घटेगा तो बैंक निफ्टी बढ़ नहीं सकता। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए घटता है, किसी दिन अगर डिक्रीज होता है फिर भी बैंक निफ्टी बढ़ता है, तो उस कंडीशन में ये जो स्टॉक देख रहे हैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा, मान लीजिए तीनों स्टॉक ही गिरते हैं और फिर भी बैंक निफ्टी बढ़ता है, तो उस कंडीशन में ये बाकी स्टॉक को भयंकर बढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा को 5-10% बढ़ना पड़ेगा, फेडरल बैंक को भी 5-10% बढ़ना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा इनको दम लगाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को उठाने के लिए अगर ये तीनों गिर गए। तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखिए और इधर देखिए HDFC बैंक का चार्ट, दोनों को चार्ट को ध्यान से देखिए, दोनों चार्ट का पैटर्न लगभग एक जैसा है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक करो बना, यहाँ से यहाँ तक करो बना, फिर ऊपर जाकर के फिर ऐसे जाकर के फिर ऐसे गया। अब यहाँ पर भी देखिए ये एक करो बनाया इसने, ये करो बनाया, फिर एक करो बनाया, फिर ऊपर जाकर के फिर ऐसे जाकर के फिर ऊपर गया। मतलब देखिए दोनों का चार्ट लगभग एक जैसा दिख रहा है। क्यों एक जैसा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में जो HDFC बैंक का लगभग 36.8% उसका जो है मतलब वेटेज है, इसलिए लगभग चार्ट हमें वैसा ही दिख रहा है। आप नोटिस करेंगे, आप देखिए ये जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, ये जैसे बैंक निफ्टी काफी अच्छा खासा किस दिन बढ़ा, ये देखिए आप यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये देख लेते हैं हमको सा 12th हमारा नवंबर का चार्ट, नो 12th नवंबर को बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरा है 12 नवंबर को, तो 12 नवंबर का डेटा इधर देखते हैं, ये देखो 12 नवंबर का इधर भी देखें तो 12 नवंबर के दिन बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरा है। अब देखिए यहाँ पर भी गिरा है तो यहाँ पर गिरा। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये देखिए, एक देखिए 26th ऑफ नवंबर के दिन आप देखिए बैंक निफ्टी हमारा HDFC बैंक काफी अच्छा बढ़ा है, तो 26th ऑफ नवंबर का हम डेटा देखते हैं, 26th ऑफ नवंबर का डेटा कौन सा है हमारा, ये 26th ऑफ नवंबर का डेटा किधर चला गया, 26th ऑफ नवंबर 26
ये 26 नवंबर, ये देखिए 26 नवंबर के दिन जो है बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा बढ़ा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी बढ़ने का हमेशा बढ़ेगा, इसे गारंटी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है कि बढ़ेगा। अगर आपने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक, ये तीनों को अगर आपने देख लिया बढ़ा है तो गारंटी के साथ बढ़ेगा। अब आप नोटिस करिए यहाँ पर, देखिए लास्ट लाइन, देखिए लास्ट लाइन में आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक देखिए गिरा है, बट फिर भी हमारा जो कौन सा ये बैंक निफ्टी बढ़ा है, क्यों बढ़ा है और बढ़ा है कितना, आप देखिए कितना बढ़ा है, आप देखिए नोटिस करिए, ओपन हुआ था 26810 पे, क्लोज हुआ 26826, मतलब लगभग 16 पॉइंट बढ़ा है, मात्र 16 पॉइंट बढ़ा है, वो 16 पॉइंट बढ़ा है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये 14 दिसंबर का ही डेटा है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा एचडीएफसी बैंक ने उस बैंक निफ्टी को इतना क्यों नहीं बढ़ने दिया, आप सोचिए क्यों नहीं बढ़ने दिया, हमारा एचडीएफसी बैंक गिरा था उस दिन, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी बढ़ा, तो बढ़ा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ पाया, क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक देखिए यहाँ पर गिरा कितना, मात्र गिरा 0.27%, देखिए 0.27% ही गिरा है, और साथ में कोटक हमारा बैंक जिसका काफी ज्यादा मतलब वेटेज है कोटक का, वो भी उस दिन गिरा था, देखिए वो भी गिरा, बट हमारा जो एक वेटेज वाला जो आईसीआईसी बैंक है वो थोड़ा सा बढ़ा है। बट ये देखिए आप नीचे देखिए, येस बैंक हमारा 3% बढ़ गया, पीएनबी हमारा 1.82% बढ़ गया, मतलब ये स्टॉक इतने ज्यादा बढ़ गए, उसके बाद भी बैंक निफ्टी हमारा बढ़ नहीं पाया, क्यों नहीं बढ़ पाया, कि हमारा जो ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, हमारा कोटक बैंक, ये गिर गए। इनके गिरने के कारण जो है हमारा जो है इंडेक्स वो उतना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ नहीं पाया, मतलब 16 पॉइंट बढ़ा, क्योंकि जबकि बैंक निफ्टी कितना करा, मात्र 0.27% में इतना बड़ा इफेक्ट है उसका, क्योंकि 36.8% वेटेज है। और यहाँ पर देखिए यस बैंक का 3% बढ़ गया, अगर इस जगह हमारा एचडीएफसी बैंक अगर 3% बढ़ जाता तो बैंक निफ्टी लगभग उछाल मार देता, 200-300 पॉइंट के हमारा जो बैंक निफ्टी उछाल ला देता, ला देता, समझ रहे बात को आप। अब अगर जब भी आप देखेंगे, अब आप मान लीजिए ये वन डे का डेटा की जगह मान लीजिए कि मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि हमने लास्ट दिन देखा कि बैंक निफ्टी, जैसा कि हम देखा है बैंक निफ्टी हमारा एचडीएफसी बैंक गिरा है, लेकिन हमारा जो मतलब मतलब बैंक निफ्टी हमारा हल्का सा बढ़ा था 16 पॉइंट, बट अगर हम मिनट के चार्ट में लाते हैं इसको, डे के चार्ट में, क्योंकि जब भी बहुत से लोगों की आदत होती है जो पेपर ट्रेड करते हैं ना, वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर करते हैं, तो क्लोजिंग प्राइस के अगर ऊपर पेपर ट्रेड करेंगे तो उतना परफेक्ट नहीं होता। अब जब भी पेपर ट्रेड करें लाइव मार्केट में करें, अब लाइव मार्केट में अगर आप पेपर ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे ये जो 14 को जो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद आप देखेंगे ये देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ओपन के बाद जो बैंक निफ्टी ने हाई कब बनाया था, देखिए बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था 945, ध्यान से देखिए 14th December 2018 उसने हाई बनाया था 9:45 पर। अभी हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट में आप यहाँ देखेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा जो वही डेटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप वही देखिए, यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक ने हाई बनाया था 9:45 पे, देखिए 14th December 2018 9:45 पर उसने हाई बनाया था, और सेम टाइम पर हमारे बैंक निफ्टी में भी उस समय हाई बनाया। तो क्लोजिंग प्राइस पे हो सकता है कि कुछ स्टॉक में जो है, क्योंकि देखो अगर आपने देखा होगा येस बैंक को कितना बड़ा बढ़ना पड़ा, 3% बढ़ना पड़ा, पीएनबी को लगभग 1.8% बढ़ना पड़ा, तब जाके वो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा पॉजिटिव में ला पाए, अदरवाइज हमारा जो है एचडीएफसी बैंक मात्र 0.27% ही गिरा, लेकिन फिर भी उसने पूरा बैंक निफ्टी को नीचे खींच लिया, मतलब ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। बट आप देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जब जंप मारा एकदम 945 पे, जब बैंक निफ्टी ने जंप मारा एकदम हाई पे ले गया, तो साथ में वो बैंक निफ्टी को क्या ले गया, बैंक निफ्टी को पूरा पूरा ऊपर लेके चला गया, क्योंकि 36.8% उसका पूरा दम है उसके अंदर, इसलिए पूरा बैंक निफ्टी को उसने ऊपर खींच लिया। तो आप जब भी पेपर ट्रेड करें तो लाइव ट्रेड करें, ऐसा क्लोजिंग प्राइस पे करेंगे तो उतना आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट आप यहाँ देखिए किस तरह से आपने एच डी एफ सी बैंक के ऊपर फोकस किया, एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक और हमारा कोटक बैंक, ये तीनों बैंक अगर बात करें, ये तीनों बैंक पर अगर फोकस किया आपने तो डेफिनेटली आप यहाँ देखेंगे, आप चूंकि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, ये अगर तीनों मिला के 68% लगभग इनका वेटेज है, तो ये अगर ये तीनों बढ़ गए तो ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी उस दिन जो है मतलब बूम कर जाएगा, जूम कर जाएगा। और अगर ये तीनों गिर गए और फिर भी बैंक निफ्टी अगर बढ़ा तो फिर ये जो नीचे के स्टॉक है ना, इन सबको लगभग 5-10% बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा बैंक निफ्टी जो है उठ पाएगा, समझ रहे हैं ना बात को आप। तो मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश की, किस तरह से आप ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड देखने के लिए आप एचडीएफसी बैंक और कोटक और आईसीआईसी बैंक को देख करके आप काफी अच्छे से कर सकते हैं। अभी लास्ट डे का चार्ट देखिए, लास्ट डे का चार्ट में मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस तरह से जो है मतलब 0.2% यहाँ पे, जिस तरह से 0.2% हमारा एचडीएफसी बैंक गिरा है और कोटक भी गिरा है, और हमारा येस बैंक कितना ज्यादा बढ़ा है और पीएनबी बढ़ा है, मतलब उसके बाद भी ये बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं खींच पाए,
इसलिए नहीं खींच पाए हैं कि सीधी सी बात है हमारा वेटेज जो है बैंक निफ्टी का बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरीके से आप जो है बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेंड को अच्छे से और एक्यूरेसी लाना है तो सिंपल सा आप क्या करिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक का सपोर्ट रेजिस्टेंस पता कर लीजिए। अगर इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने एक्यूरेट पता कर लिए इनके सपोर्ट रेंज से, तो अगर इनके इन्होंने इनको सपोर्ट को ब्रेक किया है, इन्होंने अगर सपोर्ट को ब्रेक किया तो मान लीजिए बैंक निफ्टी वहां से लुढ़कने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर ये इसको जो है इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इन तीनों में से तीनों ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया या दो ने इनमें से किसी दो ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो आप मान के चलिए कि इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा उछाल आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।